हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस भाई, आपको पता होगा मैं पिछले 4 5 6 दिन से ना कोई व्लॉग बना रहा हूँ ना वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने है ना मकान शिफ्ट करना था। मकान शिफ्ट कराया तो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। साइट पर भी काम था और मकान भी शिफ्ट करना था। ये मेरा रूम है, आप देख सकते हो भाई, रूम काफ़ी बड़ा है टोटल। ये हमारा रूम है, तो ये हमारा अलमारी का रूम है, यहीं बराबर में टॉयलेट। तो पिछले 5 6 दिन से ना मैं कोई व्लॉग ना कोई वीडियो डाल पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज भी कोई मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बना रहा, बस आज आज का टाइम है। कल से मैं फिर से अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो और व्लॉग भी डालना शुरू कर दूंगा। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको मैसेज देने के लिए डाला था क्योंकि इतने दिन तक टाइम नहीं मिल पा रहा कि व्लॉग डालूँ, वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ, समय नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ से। ये होप है कल से मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करूँगा और व्लॉग भी डालना स्टार्ट करूँगा। आपको पता जो RCB और चेन्नई का मैच था लास्ट, उससे पहले दिन मैंने व्लॉग डाला था, बस उसके बाद से डाल नहीं पाया। और RCB भाई उससे भी बाहर हो गई है प्ले ऑफ में आके। कोई नहीं, चेन्नई को और आके वो प्ले ऑफ में तो पहुँच गए थे, पर कल भाई वो राजस्थान से हार गए तो अपना टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। पर चलो जो होता है होता है, कम से कम प्ले ऑफ में तो पहुँचे थे मेहनत करके। कोई विराट कोहली की किस्मत सही नहीं है भाई RCB के साथ, फिर से वही हो गया, वो बाहर हो गया। पर मैं सिर्फ आपको ये मैसेज और अपडेट डालने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ये 2 3 मिनट का जो मैं बना रहा हूँ कि भाई मैं कल से दोबारा से व्लॉग डालूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। बस सिर्फ मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा बिजी है, घर शिफ्ट कर रहे थे तो भाई बहुत टाइम लगा, 3 4 दिन में तो हम शिफ्टिंग ही कर पाए। और अपने कल के व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आपको अपना ये वाला फ्लैट दिखाने का जिसमें हम शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें काम भी था, पेंट कराया सारे मकान में। अभी बाहर बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, पहला भी बहुत ज़्यादा घर फैला भी हुआ था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था सब उसे सेटल करके। सारा चीज़ करने के बाद आज मैंने थोड़ा सा सोने से पहले सोचा, मैं थका भी हुआ था 3 दिन से 4 दिन से, वही रात को मैं भाई थक के सो जाता था, सुबह फिर उठना पड़ता था तो समय मिल नहीं पा रहा था किसी चीज़ के लिए, ना वीडियो बनाने व्लॉग बनाने के लिए। दूसरा फिर साइट पर भी जाना पड़ता था, वहाँ भी काम होता था, फिर आके घर भी सेटल कराना होता था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला किसी चीज़ के लिए व्लॉग बनाने के। पर होप है कल से हम अपने पूरे वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस भी डालेंगे और व्लॉग भी पूरा बनाएंगे और रेगुलर रहेंगे कल से भाई। दूसरा कल ये जो हाल हो रही है, इतनी बड़ी शेव हो रही है, बाल सारे ख़राब हो रहे हैं, कलर नहीं हो रहा, तो कल जाके सबसे पहले कटिंग करानी है, शेव सही करानी है और कलर कराना है, फिर उसके बाद से हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे और आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अब हम व्लॉग बनाना ना वीडियो बनाना छोड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत दिन हो गए। बीच में पहले भी 1 हफ्ते मेरा वीडियो नहीं आ पाया था जब थोड़ा सा बिजी था मैं, और अब फिर भाई वही 4 5 दिन, 2 3 दिन व्लॉग बना के फिर 4 5 दिन से वही हो रहा है कि समय नहीं मिल पाया सारी शिफ्टिंग में, और उसकी वजह से तो मैं आपको पहले बता भी नहीं पाया था हम शिफ्ट हो रहे हैं कुछ हुआ था। कल पूरी डिटेल दूंगा, क्यों शिफ्ट हुए, कैसे शिफ्ट हुए, कहाँ शिफ्ट हुए, सारी चीज़ें कल बताऊँगा। बस आज यही है कि बस ये व्लॉग यानी छोटी सी वीडियो बना के आपको बताना चाहता था कि भाई हम इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था कि काम ज़्यादा था, शिफ्टिंग थी, 3 4 दिन में शिफ्टिंग का सारा प्रोग्राम सेट हुआ और थोड़ा काम भी ज़्यादा था इस वजह से। कल आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि भाई हम कब शिफ्ट हुए, कैसे शिफ्ट हुए, कहाँ शिफ्ट हुए, क्या रीज़न था, किस वजह से हम शिफ्ट हुए, सारी चीज़ें आपके कल को मिलेंगी, मैं पूरी डिटेल से मिलेगी, ठीक है गाइस। चलो गाइस अब चलते हैं, मैं आपसे कल मिलूँगा, कल आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा, तो मिलते हैं आपसे कल, बाय गाइस।